नमस्ते दोस्तों, इंडियन स्टाइल कुकिंग विद नीतू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए अरबी के पत्तों की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी लेकर आए हैं। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं कि इस सुपर टेस्टी सब्जी को हमने कैसे बनाया है। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अरबी के पत्ते लेने हैं। हमने यहाँ पर 5 से 6 पत्ते लिए हैं। अब पत्ते को 2 से 3 बार बाल्टीन में पानी डालकर और बढ़िया से धो लीजिएगा, क्योंकि पत्तों में काफी धूल मिट्टी होती है, तो सभी को बढ़िया से धोकर निकालिएगा। अब यहाँ पर हमें लेना है एक चाकू। चाकू की सहायता से ये जो डंठल देख रहे हैं और पत्तियों के ऊपर मोटा सा रेशा जैसा होता है, तो उसे भी हमें कट करके निकालना है। तो देखिए, इस तरह से आराम से चाकू से करते जाइएगा तो ये सारा निकल जाएगा। पत्तों के ऊपर जितने भी इस तरह के मोटे मोटे रेशे हैं, सभी को हमें काट कर निकालना होगा। इसके साथ ही सब्जी बनाइएगा तो ये खाने में अच्छा नहीं लगता है और इसको पकने में भी काफी समय लगेगा, और ये पत्ते तो काफी जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से जितने भी पत्ते हैं, सभी के डंडियों के साथ पत्तियों के ऊपर जो होते हैं, सबको हमें काट कर निकाल लेना है। हमने सभी को काट लिया है। अब हम इसके लिए बेसन का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को छान कर लीजिएगा। इसके बाद 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, और साथ ही इसमें जाएगा 1/2 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा हमने यहाँ पर अमचूर का पाउडर डाल दिया है। अब यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए। सभी चीजों को बढ़िया से मिलाकर और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो पहले थोड़ा सा पानी डालिए, पहले मिलाइए, जब लगे कि और पानी डालना है तब डालिएगा। इसका पेस्ट हमें गाढ़ा चाहिए, तो एक बार में ज्यादा पानी डाल देंगे तो फिर ये बैटर पतला हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह का बैटर चाहिए। जब मिला ले तो फिर एक ही दिशा में इस तरह से घुमाते हुए 2 से 3 मिनट फेंट लेना है। इस तरह से फेंट लेंगे तो बेसन काफी हल्का हो जाएगा, और जब हम पत्ते के ऊपर लगाएंगे और पकोड़े तलेंगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। अब पत्ते को लेना है और उल्टा तरफ इस तरह से फैला कर रख दीजिए, और जो हमने बेसन का पेस्ट तैयार किया है वो हल्का हल्का पत्तों के ऊपर लगाना है। बहुत ही मोटी लेयर नहीं लगानी है, पतली पतली पूरे पत्ते के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। यहाँ पर मैं 1 पत्ते का ही बना रही हूँ। अगर आपके पास ज्यादा पत्ते हैं तो इसके ऊपर 1 और पत्ता डालकर उसमें भी बेसन लगाकर और दोनों को साथ में इसी तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं। जितने भी पत्ते लिए हैं सभी को हम इसी तरह से बेसन लगाकर लपेट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सभी को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे भाप में भी पका सकते हैं, पर थोड़ा फ्राई कर लेते हैं तो वो ज्यादा टेस्टी लगता है। पैन में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल को बढ़िया से गर्म कर लीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। अब इन पत्तों को एक एक करके पैन में डाल देना है, तो जितना जगह है उतना ही डालें। हमने यहाँ पर 3 डाला है, बाकी 3 बचे हैं तो उसे मैं अगली बार फ्राई कर लूंगी। तो कुछ देर हमने पकने दिया था, लगभग 1 से 1.5 मिनट में ये हो जाता है। गैस का फ्लेम तेज मत कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से इसे हमें फ्राई करना है। ये पत्ते बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। अब हमने पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी कुछ देर इसे हमने सिकने दिया है। कुछ देर बाद आप देखेंगे जो इसमें बेसन थोड़े थोड़े लगे हैं वो अच्छे से पक गए हैं, तो आपको पत्तों को निकाल लेना है। तो देखिए, इस तरह से पत्ते बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो गए हैं। पत्तों को निकालते समय पैन में थोड़ा साइड में करके रखिए, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल हो वो सारा निकल जाए। बाकी के जो बचे हैं उसे भी हमें पैन में डाल देना है और पहले की तरह ही फ्राई कर लेना है। तो तेल इसमें और नहीं डालिएगा, वो बचे हुए तेल में फ्राई हो जाएगा। और जब ये ठंडे हो जाए तो इस तरह से आप इसे पीस में काट लीजिएगा। आप इस तरह से इसे पकोड़े के रूप में भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। पकोड़े के लिए बनाएंगे तो थोड़ा सा इसे और फ्राई कर लीजिएगा।
तो चलिए अब इसके लिए हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज का टमाटर लेकर और धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 पोट लहसुन लिया था, सभी को हमने मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। पीसते समय पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, टमाटर में खुद पानी होता है, उसी से हो जाएगा। अब गैस पर एक कढ़ाई को रख दी हूँ और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दी हूँ। तेल को बढ़िया से गर्म कर लीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो गया, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए। 2 छोटी वाली हरी इलायची ले ली हूँ और साथ ही 3 लौंग भी डाल दी हूँ। सारी चीजें जब भून जाए तो 1/2 चम्मच जीरा डाल दीजिए और साथ ही इसमें 2 चुटकी हींग डाल दीजिए। जीरा को अच्छे से भून जाने दीजिए। जब जीरा बढ़िया से भुन गया तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था। प्याज को देखिए इस तरह से बारीक बारीक काट के डालिएगा। प्याज को हमने लगभग 3 से 4 मिनट भून लिया है। जब प्याज इस तरह से सुनहरा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ डाल रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर और यहाँ पर 1/2 चम्मच ही तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाल दी हूँ। साथ ही इसमें हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिए हैं और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। साथ ही इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच डाल दिए हैं किचन किंग मसाला। अब थोड़ा सा पानी डालकर और मसाले को हमें बढ़िया से मिला लेना है। मसाले डालने से पहले ही गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा, तभी मसाले डालिएगा। अब ढककर मसाले को हमें 3 से 4 मिनट भून लेना है। मसाले को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते भी रहे, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो 1 से 1.5 मिनट बाद चलाते भी रहे। मसाले से जब तेल अलग होने लग जाए तो समझिए मसाला भून गया है। तो अब इसमें मैं टमाटर वाला पेस्ट डाल रही हूँ। टमाटर डालने के साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और यहाँ पर टमाटर के पेस्ट को मसालों के साथ मिलाकर और धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट पकने देना है। लगभग 7 से 8 मिनट टमाटर के पेस्ट को भी भूनते हुए हो गया है। बीच में हमने कई बार चलाया था तो यहाँ पर मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया से भून चुका है। तो अब इसमें हम ग्रेवी के लिए डालेंगे पानी। पानी हम यहाँ पर गर्म करके डाल रहे हैं और 1 से 1.5 गिलास डालेंगे। ग्रेवी में पानी गर्म करके डालिएगा तो सब्जी का कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर हमने 1/2 गिलास पानी और डाल दिया है। तो आपको जैसी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। अभी ये थोड़ा पतला लग रहा है ग्रेवी, पर जब इसमें हम पत्ते डालेंगे तो उसके अंदर बेसन है तो वो भी सोख लेगा पानी को। तो इसलिए आप ध्यान से डालिएगा जैसी ग्रेवी रखनी है। इतने पानी में गाढ़ी सी ग्रेवी बनकर तैयार होगी, लटपटी सी सब्जी बनेगी। अब हम तुरंत ही इसमें ये अरबी के पत्ते जो फ्राई करके रखे हैं वो डाल दिए हैं। इसको डालने के बाद हल्का सा मिला लीजिए, ज़्यादा तेज चमचे को नहीं चलाइएगा। और तुरंत ही इसमें डाल दीजिए गरम मसाला। हल्के हाथों से गरम मसाला को सब्जी में मिला लीजिए और गैस का फ्लेम मीडियम करके 2 से 3 मिनट मीडियम आँच पर ढककर पकने दीजिए। इसके बाद तुरंत ही आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। और यदि आपके पास धनिया पत्ता है तो थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ सब्जी के ऊपर डाल दीजिए। तो लगभग 3 मिनट हमने पकने दिया होगा, सब्जी हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई है। अब तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। इस सब्जी को आप रोटी चावल दोनों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो ये देखिए हमारा कितना स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुआ है। आप भी एक बार इस तरीके से सब्जी को ज़रूर बनाएं और आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलें।